अब हम जानेंगे कि जो वास्तविक गैसेस होती हैं उनका आदर्श व्यवहार से किस प्रकार से विचलन होता है या यह विचलन किन कारणों से होता है। तो जब कभी भी तापमान उच्च है, दाब कम है, तो वास्तविक गैसें जो हैं वो आदर्श गैस के जैसे ही व्यवहार करती हैं, या हम कह सकते हैं कि वास्तविक गैसों का जो व्यवहार है वो आदर्श गैस के व्यवहार के बहुत अधिक पास पास होता है। लेकिन जैसे ही तापमान कम कर दिया जाए, दाब बढ़ा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वास्तविक गैसेस होती हैं उनका व्यवहार आदर्श गैस के व्यवहार से बहुत अधिक विचलित हो जाती है, यानी यहाँ डेविएशन देखने को मिलता है वास्तविक गैस और आदर्श गैस के मध्य। तो आदर्श गैस जो है वो कब तक रहता है, जब तक शर्त यदि हम ये रखें कि तापमान बहुत अधिक हो और दाब बहुत कम हो। और आदर्श गैस से विचलन कब होने लगेगा, जब तापमान बहुत कम हो जाए और दाब बहुत अधिक हो जाए। तो ऐसी स्थिति में गैसों का जो व्यवहार है वह आदर्श से विचलित होने लगता है। तो आमागाट और एंड्रूज वैज्ञानिकों ने गैसों के इस प्रकार के व्यवहार का बहुत विस्तृत अध्ययन किया। इसमें से कुछ को हम ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायल के नियम से जो विचलन है वो किस प्रकार से होता है। तो जैसा हमने ये देखा कि आदर्श गैस समीकरण में PV बराबर होता है nRT, तो ये जो गैसेस होती हैं PV बराबर nRT ये कब तक फॉलो करती हैं, अर्थात ये आदर्श गैस व्यवहार कब तक फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर दाब, ताप, आयतन के मध्य संबंध को कब तक ये बना कर रखता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक ग्राफ लेते हैं जो कि बायल के नियम से संबंधित है। यहाँ पर हम PV और P के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं। तो यदि आदर्श व्यवहार दर्शाने वाली गैस है तो यहाँ पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि X अक्ष के समानांतर जाती है। यहाँ पर जो ये सरल सीधी रेखा है ये आदर्श गैस को दर्शाती है। बायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर PV स्थिर होगा और PV और P के मध्य जो आरेख है या सीधी रेखा है वो अक्ष के समानांतर प्राप्त होनी चाहिए, बायल का नियम ये कहता है। लेकिन यदि स्थिर ताप पर वास्तविक गैसों के लिए PV और P के मध्य रेखा खींची जाती है या ग्राफ बनाया जाता है तो यहाँ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो प्रकार का विचलन दिखाई दे रहा है। एक विचलन जो है वास्तविक गैसों के लिए PV और P के मध्य विचलन दो प्रकार से दिखाई दे रहा है, एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं धनात्मक विचलन, ये आदर्श गैस की जो सरल रेखा है उसके ऊपर की तरफ जा रही है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थिर तापमान पर जो वास्तविक गैसों के लिए PV और P के मध्य जो आरेख खींचा गया है वो सीधी रेखा नहीं है, तो जो धनात्मक विचलन वाली रेखा दर्शा रहे हैं गैस वो है हाइड्रोजन और हीलियम। जैसे जैसे आदर्श व्यवहार से विचलन दिखाई देता है तो दो प्रकार का जो वक्र दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हम देख रहे हैं कि दाब बढ़ाने पर PV का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर PV का मान बढ़ रहा है तो ये धनात्मक विचलन की तरफ एक सीधी रेखा जा रही है। दूसरी तरफ हम कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस के लिए लेते हैं तो ये दूसरे प्रकार का वक्र दिखाई दे रहा है। पहले यह वक्र आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है, अर्थात ये नीचे की तरफ जा रहा है वक्र, और जैसे जैसे दाब बढ़ाते जा रहे हैं ये वक्र धनात्मक विचलन की ओर ऊपर की ओर जाता है। तो दाब बढ़ाने पर पहले तो PV का मान कम होकर नीचे की तरफ जा रहा है, न्यूनतम स्तर तक पहुंचता है, और जैसे जैसे दाब बढ़ाया जा रहा है और अधिक किया जाता है तो आदर्श गैस की रेखा को पार करके ये लगातार फिर ऊपर की तरफ अर्थात धनात्मक विचलन की ओर दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के लिए इस प्रकार से ग्राफ दिखाई देता है, ऋणात्मक विचलन पहले और उसके बाद धनात्मक विचलन की ओर ये रेखा जाती है। वास्तविक गैसें जो होती हैं वो बायल के नियम, चार्ल्स के नियम या एवोगाड्रो का नियम का पालन जो है वो सभी परिस्थितियों में नहीं कर पाती हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर डेविएशन देखने को मिलता है। आदर्श व्यवहार से जो विचलन है इसको समझने के लिए हम संपीड्यता गुणांक को भी
ले सकते हैं संपीड्यता गुणांक, जिसे जेड से दर्शाया जाता है। तो वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को संपीड्यता गुणांक के रूप में भी दर्शाया जाता है, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर है पीवी बटा एनआरटी, जिसे संपीड्यता गुणांक कहते हैं। प्रेक्षित आयतन और गणना से प्राप्त आयतन का अनुपात भी कहा जाता है, अर्थात जेड को हम ये कह सकते हैं कि वी प्रेक्षित आयतन या वी जो गणना द्वारा प्राप्त आयतन, इसके अनुपात को भी हम संपीड्यता गुणांक यानी जेड से दर्शा सकते हैं। यदि पी वी बराबर एन आर टी है तो ऐसी स्थिति में जेड का मान हमेशा एक होगा, जो कि आदर्श गैस के लिए होता है। लेकिन यदि पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी तो यहाँ पर जेड का मान एक से कम भी हो सकता है और जेड का मान एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर यह धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दोनों को या दोनों संभावनाओं को ये दर्शाती है। तो यदि जेड का मान एक से कम होता है तो यहाँ पर ये ऋणात्मक विचलन को दर्शाती है। यदि हम आदर्श गैस के लिए एक ग्राफ खींचते हैं जेड संपीड्यता गुणांक और दाब के बीच, तो एक सरल रेखा हमें दिखाई देती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के लिए जो संपीड्यता गुणांक है जेड का मान है वो एक से अधिक है, तो ये आदर्श गैस की तुलना में कम संपीड्य होती हैं, तो ये धनात्मक विचलन की ओर जा रही हैं। ज़्यादातर जो गैसेस होती है जैसे नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कम दाब पर जेड का मान इसमें एक से कम है, और जैसे जैसे दाब बढ़ाया जा रहा है तो जेड का मान एक से अधिक होता जा रहा है। तो कम दाब पर ये अधिक संपीड्य होंगी और उच्च दाब पर ये कम संपीड्य होंगी, क्योंकि जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाते हैं तो उनके बीच का जो स्थान है वो भी कम होता जाएगा, तो गैसेस जो है वो कम संपीड्य होने लगती हैं। इस ग्राफ के द्वारा हम ये भी समझ सकते हैं कि ऐसी गैसें जिनके लिए जेड का मान निम्न दाब पर तेजी से कम होता है वे आसानी से द्रवित हो सकती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो द्रवण है वो नाइट्रोजन और मीथेन की तुलना में आसानी से हो सकता है, जैसा कि इस ग्राफ में भी हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो कर्व है वो सबसे निम्न स्तर तक प्राप्त हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मीथेन और नाइट्रोजन की तुलना में आसानी से द्रवित हो सकती हैं, जबकि नाइट्रोजन और मीथेन के लिए जो कर्व है वो कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा ऊपर प्राप्त होता है। ये भी कम दाब पर निम्न स्तर की ओर जा रहे हैं और अधिक दाब पर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं दाब तो ये ऊपर की तरफ धनात्मक विचलन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ Z बराबर पी वी वास्तविक बटा एन आर टी, यदि हम वास्तविक गैसों के लिए लेंगे तो Z बराबर पी वी बटा एन आर टी करते हैं, और यदि हम आदर्श व्यवहार लेते हैं तो पी वी बराबर एन आर टी। तो यहाँ पर आदर्श व्यवहार के लिए आदर्श गैस के लिए जो V है उसके आगे हम लिख सकते हैं आदर्श गैस, तो इस तरह से पी वी बराबर एन आर टी। तो दो अलग अलग संबंध हम देख रहे हैं वास्तविक गैस के लिए और आदर्श गैस के लिए। और यहाँ पर यदि हम V आदर्श गैस के लिए निकालेंगे तो एन आर टी बटा पी होगा, और यहाँ पर यदि मान रखा जाए तो जो संबंध आएगा जेड के लिए वो मान होगा जेड बराबर वी वास्तविक बटा वी आदर्श। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वास्तविक गैसों के लिए जो आयतन है और आदर्श गैस के लिए जो आयतन है, इनका अनुपात ही संपीड्यता गुणांक को दर्शाता है। यहाँ हम एक और ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस के मध्य जो डेविएशन है उसको दर्शाता है। जैसा कि इस कर्व में आप देखिए कि दाब और आयतन के बीच कर्व है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आदर्श गैस के लिए कर्व है और दूसरा है वास्तविक गैस के लिए। जब बहुत अधिक दाब लिया जा रहा है वहाँ पर प्रेक्षित आयतन परिकलित आयतन यानी गणना द्वारा प्राप्त आयतन से ज़्यादा होता है, और निम्न दाब पर प्रेक्षित और परिकलित आयतन एक दूसरे के बहुत पास पास दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही स्थिति में यदि हम दाब को एक कंडीशन मान लें, यानी जब यहाँ पर ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं तो ज़्यादा फैला हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेक्षित आयतन परिकलित आयतन में ज़्यादा हम बिखराव देख रहे हैं, ज़्यादा दूरी देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे दाब हम देख रहे हैं कम किया जा रहा है तो प्रेक्षित आयतन और परिकलित आयतन एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। तो दाब कम की स्थिति में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसा हमने बिंदु एक पॉइंट देखा था कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस के जो गुण हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, जब दाब
कम होता है, और दाब बढ़ाने पर उनके जो डेविएशन है वो बढ़ते जाते हैं, यानी आदर्श गैस से जो वास्तविक गैस है उसके गुणों में भिन्नता दिखाई देने लगती है जब दाब को बढ़ाया जाता है। तो इस कर्व के द्वारा ये बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है कि जैसे जैसे दाब को बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे प्रेक्षित आयतन और परिकलित आयतन यहाँ पर अधिक हो रहा है, और दाब कम होने पर प्रेक्षित और परिकलित आयतन एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। आदर्श व्यवहार से जो विचलन होता है वास्तविक गैसों का वो क्यों होता है, इसको समझने के लिए कुछ कारणों को हमें जानना होगा। तो यहाँ पर जो अणुगतिक सिद्धांत में दो बिंदु है, वो जो अवधारणाएं हैं दो बिंदु है वो गलत मानी गई हैं। उसमें एक बिंदु है जिसे हम आणविक आयतन के रूप में समझ सकते हैं कि अणुओं का जो वास्तविक आयतन होता है वो किसी गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये अणुगतिक सिद्धांत का एक अभिगृहित है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर सत्य होता है। लेकिन जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं तापमान कम कर देते हैं तो गैस का जो कुल आयतन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर और तापमान कम करने पर अणु जो है वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं तो उनका आयतन कम हो जाता है। तो अणुओं का जो व्यक्तिगत आयतन होता है वो तो नहीं बदलता है, वो उतना ही रहता है। भले ही गैस के संपूर्ण आयतन को यदि हम देखेंगे तो वो कम हो जाता है, लेकिन प्रत्येक अणु का जो आयतन होगा व्यक्तिगत आयतन होगा वह नगण्य नहीं हो सकता, वो नगण्य नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर इस बिंदु को हम गलत मान सकते हैं। अगला है आणविक आकर्षण। तो यहाँ पर भी हम एक अभिगृहित को देखेंगे। जैसा कि हमने देखा था गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का ना तो आकर्षण होता है ना प्रतिकर्षण होता है, किसी भी प्रकार का बल कार्य नहीं करता है, किसी भी प्रकार का आकर्षण बल किसी भी प्रकार का प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है, ये स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। लेकिन दाब कम है तापमान अधिक है तब तक तो यह ठीक है, क्योंकि गैस का आयतन अधिक है अणु एक दूसरे से दूर दूर है उनके मध्य आकर्षण बल नगण्य होगा। लेकिन जैसे जैसे दाब बढ़ा दिया जाए तापमान कम कर दिया जाए तो अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते अणुओं के मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अणुओं का जो आयतन है वो गैस के द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में उपेक्षणीय है। कब तक? जब तक ताप बहुत अधिक है दाब बहुत कम है। लेकिन जब दाब में वृद्धि कर दी जाए या तापमान में कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में अणु एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं तो गैस का जो घेरा गया आयतन है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो गैसों के बीच जो आकर्षण है गैसों के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है उसे हम नगण्य नहीं मान सकते हैं। गैसों का जो आदर्श व्यवहार है उसका जो विचलन है इसे समझाने के लिए वांडरवाल ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जो आदर्श गैस समीकरण से थोड़ा भिन्न होता है। इसमें उन्होंने आयतन संशोधन किया और दाब संशोधन किया, और इस संशोधन को उन्होंने किस तरीके से किया इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। वांडरवाल ने जो गैस समीकरण है आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी इसमें कुछ सुधार किया, और इस सुधार को उन्होंने सबसे पहले आयतन संशोधन और दाब संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया। सबसे पहले हम आयतन संशोधन को देखते हैं। सामान्य गैस समीकरण में हमने देखा कि गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य माना जा सकता है और पूरे आयतन को संपीड्य माना जा सकता है, लेकिन गैस का कुल आयतन जो है वो कम होगा यदि दाब बढ़ा दिया जाए तापमान कम कर दिया जाए तो अणुओं के आयतन को हम नगण्य नहीं मान सकते, यानी व्यक्तिगत अणु का जो आयतन है उसे हम नगण्य नहीं मान सकते, क्योंकि अणुओं का जो वास्तविक आयतन होता है वह संपीड्य नहीं होता है। जब तक गैस के अणु एक दूसरे से दूर दूर हैं उनके बीच पर्याप्त स्थान है तब तक वे संपीड्य हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एक व्यक्तिगत अणु के आयतन की तब वह संपीड्य नहीं होती है जब तापमान कम हो दाब अधिक हो। यदि यहाँ पर गैस समीकरण में हम केवल संपीड्य आयतन को लेते हैं और प्रेक्षित आयतन में से कुछ आयतन को घटा देते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम एक सह आयतन
को इंट्रोड्यूस करते हुए देख पाते हैं। जैसे वांडरवाल ने ये बताया कि गैस समीकरण में केवल संपीड्य आयतन ही लिया जाना चाहिए और प्रेक्षित आयतन में से कुछ आयतन को घटाया जाना चाहिए, जिसे उन्होंने सह आयतन या को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम नाम दिया। तो संशोधित आयतन बराबर है वी माइनस बी। तो ये जो बी है ये उनका एक स्थिरांक है, उन्होंने इसे आयतन संशोधन स्थिरांक के रूप में इंट्रोड्यूस किया। ये उन्होंने एक अणु के लिए दिया, यदि इसी को हम एन अणु के लिए लेंगे तो वी माइनस एन बी होता है। तो यहाँ कुछ आयतन जो है वो कम कर दिया गया है, तो संशोधित आयतन को उन्होंने प्रस्तुत किया वी माइनस बी से, या एन अणु के लिए वी माइनस एन बी से। तो बी एक स्थिरांक है जिसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसे सह आयतन कहा गया। अब दाब में सुधार को उन्होंने प्रस्तुत किया, तो दाब में सुधार यानी दाब संशोधन को जब उन्होंने बताया, तो यहाँ पर एक हम कल्पना करते हैं कि जब गैस के अणु हैं वो आपस में टकराते हैं, तो गैस के अणु जो बीच में स्थित हैं, पात्र के बीच में स्थित है जो अणु, वो तो चारों तरफ से सभी अणुओं से आकर्षित होते हैं, तो सभी तरफ से वो आकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं, तो इस तरह से एक संतुलित आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। लेकिन जो अणु पात्र की दीवार पर स्थित हैं वो केवल अंदर की तरफ आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो यहाँ पर संतुलन बिगड़ जाता है, ये संतुलित नहीं हो पाता है। तो गैस का आयतन जब कम होता है तो ऐसी स्थिति में जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल है वो हम देखें कि प्रभावी हो जाता है, हम गैसों के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है उसको नगण्य नहीं मान सकते हैं। जब दाब बढ़ा दिया जाए या तापमान कम कर दिया जाए, दोनों स्थिति में तो अणु चारों ओर से सारे अणुओं से आकर्षित होते हैं, तो यहाँ पर एक संतुलित बल कार्य करता है। लेकिन जो पात्र की दीवार पर स्थित जो अणु हैं वो टकराने के पहले इसमें केवल अंदर की तरफ आकर्षण बल का अनुभव या अंदर की तरफ खिंचाव का अनुभव करते हैं, तो इसके फलस्वरूप ये होता है कि जो अणु हैं वो अपेक्षा से कम बल के साथ टकराते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आकर्षण का अनुभव कर रहे हैं वो थोड़ा कम करते हैं आकर्षण बल का अनुभव, तो यहाँ पर संतुलित आकर्षण बल कार्य नहीं कर पाता है। तो जो अणु है जो पात्र की दीवार से टकराते हैं वहाँ पर जितना दाब मिलना चाहिए वह दाब थोड़ा कम प्राप्त होता है। तो जो संशोधित दाब है वो प्रेक्षित दाब से अधिक होना चाहिए, ऐसा इन अणुओं के आपस में जो टकराने की दर के आधार पर उन्होंने समझाया कि जो अणु पात्र की दीवार से टकरा रहे हैं तो पात्र की दीवार से टकराने वाले जो अणु होते हैं वो केवल अंदर की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, और ये अणु अपेक्षा से कम बल के साथ टकराते हैं, और यहाँ जो दाब है वो कम प्राप्त होता है। तो संशोधित दाब को उन्होंने कहा कि वो प्रेक्षित दाब से अधिक होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संशोधित दाब है वो पी बराबर प्रेक्षित दाब पी प्लस पी, तो स्मॉल पी जो है वो यहाँ पर जितना संशोधन किया जाएगा, दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर हम पी व्युत्क्रमानुपाती 1/v² के रूप में से दर्शा सकते हैं। तो पी व्युत्क्रमानुपाती है 1/v², तो यहाँ पर हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ लिखते हैं a/v², तो यहाँ पर जो a है वो एक स्थिरांक है, वांडरवाल स्थिरांक है, या हम इसे दाब संशोधन स्थिरांक के रूप में भी जानते हैं। तो यदि n अणु के लिए लिया जाएगा तो यहाँ p व्युत्क्रमानुपाती होगा v² के, लेकिन ऊपर हम इसे लिख सकते हैं n², और यहाँ पर भी यदि हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो an² / v², और p संशोधित जितना किया जा रहा है दाब में संशोधन जितना किया जा रहा है, अर्थात जो स्मॉल p है वह p जो है वो an² / v² के बराबर होता है। तो अब हम जो संशोधित दाब है यानी कैपिटल p बराबर प्रेक्षित पी जो पी है प्लस जितना संशोधन किया गया an² / v² या फिर हम a/v² इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो अब जो वांडरवाल समीकरण उन्होंने दिया उसमें दाब संशोधन और आयतन संशोधन दोनों को करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होता है वो समीकरण हमें मिलता है पी प्लस a/v² वी माइनस बी बराबर RT, और यदि हम इसे n अणु के लिए लेंगे तो p प्लस an² / v² और v माइनस nb /
nRT, तो ये n अणु के लिए वांडरवाल समीकरण को दर्शाता है। वांडरवाल समीकरण को वांडरवाल्स की अवस्था समीकरण भी कहा जाता है। वांडरवाल समीकरण में जो दो स्थिरांक हमने देखा a और b, इसकी इकाइयों के बारे में अब हम जानेंगे। तो जब हम a की इकाई निकालते हैं तो p बराबर an स्क्वायर बटा v स्क्वायर हमने देखा। तो यदि a ज्ञात करेंगे तो pv स्क्वायर बटा n स्क्वायर होगा। तो यदि हम pv स्क्वायर बटा n स्क्वायर करते हैं तो p के लिए यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर वायुमंडली दाब लेते हैं और v स्क्वायर यानी लीटर स्क्वायर और बटे में हम लिखते हैं मोल स्क्वायर। तो इस तरह से a की जो इकाई होगी वो होगी एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर। और b के लिए जब हम इकाई ज्ञात करते हैं तो b बराबर होता है nb, b बराबर होता है v बटा n। तो v यहाँ आयतन को दर्शा रहा है, n मोलों की संख्या है, आयतन को लीटर के रूप में और मोलों की संख्या मोल, तो लीटर प्रति मोल, ये होगा b के लिए इकाई। अब हम जो वास्तविक गैसों के व्यवहार को दर्शाने के लिए वांडरवाल समीकरण दिया गया इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में ये समीकरण किस रूप को ग्रहण करता है। तो जो सभी गैसें होती है वो आदर्श गैस के व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती हैं और इन वास्तविक गैसों के व्यवहार को वांडरवाल समीकरण के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। यदि हम इसी वांडरवाल समीकरण को बहुत कम दाब पर लेते हैं तो बहुत कम दाब पर क्या होगा, गैस का जो आयतन है वी वो अधिक होगा और इसकी तुलना में हम बी को नगण्य मान सकते हैं। जब दाब बहुत कम है तो आयतन बहुत अधिक होगा, तो वैसी स्थिति में बी जो स्थिरांक के रूप में यहाँ पे लगाया गया है, संशोधन के रूप में लगाया गया है, उसे हम नगण्य मान सकते हैं। तो निम्न दाब की स्थिति में जो वी है उसकी तुलना में बी को नगण्य मान लिया जाएगा। तो जो संबंध हमें प्राप्त होगा पी प्लस ए बटा वी स्क्वायर और वी बराबर आरटी, और जब वी से हम अंदर गुणा करते हैं तो पी वी प्लस ए बटा वी इज इक्वल टू आरटी। तो पी वी बराबर प्राप्त होता है आरटी माइनस ए बटा वी। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो पी वी का मान है वो पी वी का जो अपेक्षित मान है वो आरटी से ए बटा वी पद के बराबर या कम प्राप्त हो सकता है। तो z बराबर पी वी बटा एन आर टी का मान एक से कम प्राप्त होगा जब z का मान एक से कम है। तो ये स्थिति जो है वो निम्न दाब पर है। लेकिन यदि यहाँ एक और परिस्थिति लिया जाए, यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा, दाब बढ़ाने पर जो दाब में संशोधन है उसे हम नगण्य मानेंगे। तो P की तुलना में A बटा V स्क्वायर जो है इसे नगण्य मान लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में P V माइनस B बराबर RT, तो P V माइनस P B बराबर RT, तो P V बराबर RT प्लस PB। तो ये जो स्थिति है ये उच्च दाब की स्थिति में है जहाँ पर P की तुलना में A बटा V स्क्वायर को नगण्य माना गया है। यदि तापमान बढ़ा दिया जाए, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, तापमान बहुत अधिक होने पर जो आयतन में संशोधन किया गया है या जो प्रत्येक अणु का जो आयतन है उसको हम यहाँ पर नगण्य मान सकते हैं, या जब तापमान बढ़ाया जा रहा है तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल को भी हम नगण्य मान सकते हैं। तो दोनों ही स्थिति में a बटा n स्क्वायर को हम p की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। पहली स्थिति में हम p की तुलना में a बटा v स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं और दूसरी जगह यदि आयतन संशोधन को देखा जाए तो v की तुलना में b को नगण्य माना जा सकता है। तो यहाँ पर जो वांडरवाल समीकरण है वह आदर्श गैस समीकरण की तरह ही व्यवहार करने लगेगा। तो पी वी बराबर एन आर टी के रूप में हम आदर्श गैस समीकरण के रूप में वांडरवाल समीकरण को प्रस्तुत कर सकते हैं जब तापमान बहुत अधिक होता है। तो हमने ये देखा कि आदर्श गैस समीकरण का जो डेविएशन है वो किस तरह से वांडरवाल समीकरण के रूप में वांडरवाल वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया, और इसी समीकरण को यदि हम वास्तविक गैसों के लिए अलग अलग कंडीशंस में देखते हैं जैसे कि कम दाब हो और उच्च दाब हो और उच्च ताप हो, तो इन तीनों परिस्थितियों में ये किस तरह से परिवर्तित होता है समीकरण, इसे हमने जाना। अब हम आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस में अंतर को जानेंगे। आदर्श गैस, ये गैस नियमों तथा गैस समीकरण पी वी बराबर एन आर टी का पालन ताप व दाब की सभी दशाओं में पूर्णतया करती है।
वास्तविक गैसें उच्च ताप व निम्न दाब पर ही गैस नियमों का पालन करती हैं। आदर्श गैस काल्पनिक है। वास्तविक गैसें अस्तित्व में होती है तथा गैसों में गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। आसानी से द्रवित न होने वाली गैसें जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि का व्यवहार आदर्श गैस व्यवहार के सन्निकट होता है। आसानी से द्रवित होने वाली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया ये गैसें आदर्श गैस के व्यवहार से बहुत अधिक विचलन प्रदर्शित करती हैं। गैस अणुओं का कुल आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है आदर्श गैस के लिए, और वास्तविक गैस के लिए निम्न ताप व उच्च दाब पर अणुओं के आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आपस में किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता है, जबकि वास्तविक गैसों में अंतराणुक आकर्षण बल को विशेषतया कम ताप या उच्च दाब पर उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता। आदर्श गैस को ताप व दाब की किसी भी दशा में द्रवित नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविक गैस को निम्न ताप तथा उच्च दाब पर द्रवित किया जा सकता है। आदर्श गैस स्थिर ताप पर गैस के दाब और आयतन के मध्य ग्राफ खींचने पर एक समकोणीय अतिपरवलय प्राप्त होता है, जबकि वास्तविक गैस के लिए स्थिर ताप पर दाब व आयतन के मध्य खींचा गया ग्राफ समकोणीय अतिपरवलय प्राप्त नहीं होता है। आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर PV और P के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल क्षैतिज रेखा होती है, क्योंकि बायल के नियम के अनुसार हमने देखा PV बराबर K होता है, जबकि वास्तविक गैसों के लिए स्थिर ताप पर वास्तविक गैसों के लिए PV का मान दाब परिवर्तन पर स्थिर नहीं रहता है, और PV व P के बीच खींचा गया जो ग्राफ है वह सरल क्षैतिज रेखा नहीं होती है।